आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बलिया में बीजेपी विधायक के बेटे की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। विधायक सुरेंद्र सिंह के बेटे ने अपने समर्थकों के साथ तहसील पहुंचकर निर्वाचन कर्मी की लात घूंसे और जूतों से पिटाई कर दी, जिससे तहसील में भगदड़ का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि जमधरवा गांव के बीएलओ को हटाने के लिए विधायक के बेटे ने गुंडागर्दी की। इस घटना से तहसील कर्मियों में आक्रोश है। बलिया में ट्रक की चपेट में आकर 12 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र स्कूल की छुट्टी के बाद साइकिल से घर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। जानकारी मिलने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। बहराइच में कार और रोडवेज बस की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 6 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। आनंद पानी में घायलों को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पूरा मामला बहराइच लखनऊ मार्ग पर थाना फखरपुर के बसंता मोड़ के पास का बताया जा रहा है। रामपुर में किसानों को ओलावृष्टि और बारिश से हुए फसल के नुकसान का मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसको लेकर किसान और समाजसेवी निर्मल सिंह ने सूबे की योगी सरकार समेत केंद्र सरकार को मुआवजे के लिए पत्र लिखा। किसान निर्मल सिंह के मुताबिक बिलासपुर क्षेत्र में मटर, गेहूं और मेंथे की फसल ओलावृष्टि से पूरी तरह नष्ट हो गई है, जिसमें किसान को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक किसानों को सरकार द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया है। महोबा जनपद में स्वामी ब्रह्मानंद क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फाइनल मैच महोबा और श्रीनगर के बीच खेला गया। 20 ओवर के इस मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। फाइनल मैच में महोबा ने श्रीनगर को करारी शिकस्त देते हुए विजेता की ट्रॉफी जीती, साथ ही 30,000 का नगद पुरस्कार भी प्राप्त किया। बरेली की काया बदलने के लिए अधिकारियों ने कमर कस ली है। बरेली मंडल के आयुक्त ने जानकारी दी कि शहर में स्मार्ट रोड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और ऐसे कई प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बसें और इनके डिपो पर चार्जिंग पॉइंट होंगे। इन सब कामों के लिए शहर की सूरत बदलेगी। में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लाना, उसके अतिरिक्त पैन सिटी, जो पूरे सिटी में स्मार्ट कंपोनेंट, जिसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और स्मार्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है, इसको लाना। इसमें हमारे यहाँ बरेली में 6 वार्ड में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में स्मार्ट रोड्स और 25 किलोमीटर में एडवांस्ड रोड ला रहे हैं, जिसमें पेमेंट, स्ट्रीट लाइट्स और सीनियर सिटीजन के लिए व्यवस्था, फॉर डिफरेंटली एबल्ड उनके लिए व्यवस्था और यूटिलिटीज़ के लिए डक्ट्स, इनकी व्यवस्था करते हुए हम लोग 25 किलोमीटर सड़क ला रहे हैं। झांसी जिले के थाना मौरानीपुर स्थित ग्राम चुरारा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों की माने तो ससुराल वाले आए दिन बेटी के साथ मारपीट और गाली गलौज करते थे, अब उसको कुएं में धक्का दे दिया। ग्रामीणों की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झांसी के श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कुआं गांव में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता रैली, योग शिक्षा, मतदान जागरूकता और सामाजिक कुरीतियों पर विचार गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें छात्रों को काफी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। गाँव के लोग जागरूक हो रहे हैं। शिविर के अंदर छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। सूरत में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान तमाम जगह कार्यक्रम आयोजित हुए। गुजरात में भी शिवाजी महाराज को महान राजा के रूप में पूजा जाता है। लोगों का मानना है कि शिवाजी के शासन में आम जनता को हमेशा न्याय मिला। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।